मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर क्लासेस। सो जहां मैं लास्ट वीडियो में छोड़ा था वहीं से आज रिज्यूम करूंगा। हम प्रेसिडेंट को डिस्कस कर रहे थे, तो प्रेसिडेंट की कुछ पावर्स हमने डिस्कस कर ली थी, तो हम वापस आते हैं प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट वाली पावर्स पे, किन किन लोगों को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट। सबसे पहले बेटा हम देखेंगे यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट द्वारा, वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर की। जब एक चुनाव होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, कोई एक पर्टिकुलर आदमी या एक पर्टिकुलर बंदा निकल के बाहर आता है मेजॉरिटी के साथ कि उसको एमपीस की सपोर्ट है, तो उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। कौन बनाता है बेटा उसे प्राइम मिनिस्टर? हमारे प्रेसिडेंट साहब, हमारे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं उसे एज ए प्राइम मिनिस्टर। किसको किया जाता है? जनरली उसी आदमी को या उसी कैंडिडेट को किया जाता है जिसके पास मैक्सिमम मेजॉरिटी होगी, किसमें? लोकसभा के इलेक्शंस के बाद। ठीक है, उसको प्रेसिडेंट हमेशा क्या करता है? अपॉइंट करता है एज ए प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। दूसरी जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है प्रेसिडेंट द्वारा, वो है मिनिस्टर्स। जितने भी हमारे यूनियन मिनिस्टर्स हैं, जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं कैबिनेट के अंदर, जब नॉर्मल मिनिस्टर्स हैं, जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर्स हैं, उनको कौन अपॉइंट करता है बेटा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। बट किसके कहने पे अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर के कहने पे अपॉइंट करता है। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट साहब जी को बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर आदमी को इसका मिनिस्टर बना, तो प्रेसिडेंट साहब उसके लिए ऑर्डर निकालेंगे कि हाँ ये पर्टिकुलर आदमी इस चीज का मिनिस्टर है। होप आई एम क्लियर। अगली अपॉइंटमेंट देखो बेटा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स। आपको पता होगा इलेक्शन कमिश्नर क्या होते हैं, जो हमारी इलेक्शन कमीशन है उसको जो हेड करते हैं, जो सबसे हाईएस्ट बॉडी जो होती है उसमें जो पर्सन होते हैं उसको कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। वैसे ही दो इलेक्शन कमिश्नर्स भी होते हैं उनके साथ, उन सबकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो प्रेसिडेंट साहब करते हैं। ये जितनी भी बॉडीज हैं इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हमारा वो टॉपिक आएगा। अभी जस्ट आप ये याद रखो कि प्रेसिडेंट साहब किस किस को अपॉइंट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, फिर उनके मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करते हैं। सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो हमारे ऑडिट्स को देखते हैं, उनका जो हाईएस्ट बॉडी है सीएजी, उनको भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं। जजेस ऑफ हाईकोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, याद रखना बेटा हाईकोर्ट की भी, जजेस ऑफ हाईकोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या है? बेसिकली ये हाईएस्ट एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है, जितने भी जो हमारे कोर्ट केसेस होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनको ये रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में जाके। इसको क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब इसका टॉपिक आएगा। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन, आपको पता है बेटा हर 5 साल बाद जब उससे पहले जब जरूरत पड़ती है तो फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है, तो जो उसके मेंबर्स होते हैं, उसके जो चेयरमैन होता है, उसको भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, आपको सबको पता होगा यूपीएससी क्या है बेटा, इसके चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। गवर्नर ऑफ स्टेट्स, हमारी स्टेट्स के गवर्नर रहते हैं, वो इलेक्टेड मेंबर नहीं होते, वो अपॉइंटेड मेंबर होते हैं। आपने नहीं सुना होगा कभी कि स्टेट में गवर्नर की इलेक्शन हो रही है, स्टेट में चीफ मिनिस्टर की इलेक्शन हुआ करती है, उसके बाद जो गवर्नर आते हैं उनको कहां से अपॉइंट किया जाता है बेटा? सेंटर से अपॉइंट किया जाता है। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट साहब अपॉइंटमेंट करते हैं। ठीक है, फिर इंटरस्टेट काउंसिल, अगर हमें इंटरस्टेट काउंसिल की जरूरत पड़ जाए, अगर मान लो कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि प्रेसिडेंट साहब को लगता है कि डिफरेंट स्टेट्स के बीच में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जो कुछ ऐसा एक पर्टिकुलर इशू है जो उनसे रिजॉल्व नहीं हो रहा, जो सेंटर और स्टेट के बीच में कुछ ऐसा पर्टिकुलर इशू है जो उनसे रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो प्रेसिडेंट साहब क्या कर सकते हैं? इंटर स्टेट काउंसिल का गठन कर सकते हैं और उसमें जो मेंबर्स है और जो उसके चेयरमैन होगा उसको कौन चूज करेंगे? प्रेसिडेंट। बेटा यहां पे जितनी भी अपॉइंटमेंट की जा रही है प्रेसिडेंट के द्वारा, इसमें क्या बेसिकली एंड साइन प्रेसिडेंट के हैं, बट प्रेसिडेंट को एडवाइस कौन दे रहा है? हमारे प्राइम मिनिस्टर। बस ये जो प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट होती है ये प्रेसिडेंट अपने हिसाब से करते हैं, अपने हिसाब से करें। जब हम कहें कि जो जनरल एक कन्वेंशन बनी है, जनरल कन्वेंशन क्या है बेटा?
कि जिसके पास सबसे ज्यादा मेजोरिटी है लोकसभा के इलेक्शंस के बाद उसको अपॉइंट कर दिया जाए एज ए प्राइम मिनिस्टर। बस ये अपॉइंटमेंट वो किसी की एडवाइस पे नहीं करते, बाकी जितनी भी अपॉइंटमेंट है मिनिस्टर्स की है, इलेक्शन कमिश्नर्स की है, सीएजी की है, जजेस की है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की है, गवर्नर्स की है, चेयरमैन की है, सबकी सब किसकी अपॉइंटमेंट में होती है, किसकी एडवाइस में होती है बेटा? एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। आई होप आपको क्लियर है अपॉइंटमेंट्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स अभी हमने अपॉइंटमेंट्स वाली पावर देखी थी, किन किन को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है। अब कुछ अदर पावर्स देख लेते हैं प्रेसिडेंट की, जो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको आइडिया होना चाहिए इनके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, समन एंड प्रोरोगेशन ऑफ पार्लियामेंट। समन एंड प्रोरोगेशन ऑफ पार्लियामेंट क्या मतलब है बेटा इसका? जैसे इसका मतलब मैं एक बार समझा देता हूं आपको कि समन का क्या मतलब है। समन का ये मतलब बेटा कि जब हमारी पार्लियामेंट को बुलाया जाता है कि हाँ आ जाओ आपका सेशन शुरू हो गया, जब हमारे पार्लियामेंटेरियंस को बुलाया जाता है कि उनका सेशन शुरू हो गया, उसको हम कहते हैं समन करना। ठीक है, कि हमारा जो पार्लियामेंट है उसका सेशन शुरू हो गया है, जितने भी एमपीज हैं अब वो पार्लियामेंट में आ जाएं, यहां के लॉज को बनाया जाएगा, जहां डिस्कशन जहां डिबेट्स किए जाएंगे, उसको कहते हैं बेटा समन करना। वो कौन करता है बेटा? प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट का जब मन करेगा, प्रेसिडेंट का आई मीन प्रेसिडेंट को जब एडवाइज आएगी प्राइम मिनिस्टर की इस समय पार्लियामेंट को बुलाना चाहिए, पार्लियामेंट का सेशन शुरू करना चाहिए, तो क्या किया जाएगा? प्रेसिडेंट क्या इश्यू करेगा? समन इश्यू करेगा। ठीक है बेटा, किसके लिए? पार्लियामेंट की सिटिंग के लिए। अगला है प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन का क्या मतलब है बेटा? कि जब पार्लियामेंट सिटिंग चल रही है, पार्लियामेंट की सिटिंग चल रही है, बट तभी क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर जी की एडवाइस जाती है प्रेसिडेंट को और वो कहते हैं कि सिटिंग को अब खत्म कर देना चाहिए, अब हमें पार्लियामेंट को खत्म कर देना चाहिए, लोगों को जितने भी एमपीज हैं उनको अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में वापस भेज देना चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं हम बेटा? प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन कि इस समय क्या है कि जो हमारी सेशन चल रहे थे, हमारे पार्लियामेंट के सेशन चल रहे थे, अब उसके बीच में क्या है? रिसेस आ जाएगी, ब्रेक आ जाएगी। ठीक है, उसको क्या कहते हैं बेटा? प्रोरोगेशन। अभी हम जब पार्लियामेंट को से थोड़ा डिस्कस करेंगे उसमें आपको बताऊंगा कि कितनी तरह के सेशंस होते हैं, समन होता है, प्रोरोगेशन होता है, एडजर्नमेंट होता है, वो आगे हम और डिस्कस करेंगे। पर अभी बस ये समझो कि हाउस को समन कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। हाउस को प्रोरोगेशन कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। किसकी एडवाइस पे बेटा? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। और जब हमें लोकसभा डिसॉल्व करनी है, फॉर एग्जाम्पल अब प्रेसिडेंट को पता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, उनके पास एमपी का सपोर्ट नहीं रहा, तो लोकसभा को डिसॉल्व करना पड़ेगा, वो भी कौन करेगा बेटा? प्रेसिडेंट। ठीक है, आगे आ जाओ। जब भी हमारा पहला सेशन होता है लोकसभा, जब इलेक्शंस खत्म होती हैं तो पार्लियामेंट आके मिलता है, उसके बाद बेटा पहला सेशन होता है, जो हर बार पहला जो सेशन होता है उसको कौन एड्रेस करता है? प्रेसिडेंट एड्रेस करता है। ठीक है, वैसे ही हर साल जब पहली बार पार्लियामेंट मिलेगा आके, तो उसको कौन एड्रेस करेगा? प्रेसिडेंट एड्रेस करेगा। याद रखना, ये एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस एड्रेस को क्या बोला जाता है, किसी को कोई आइडिया? प्लीज अगर किसी को आपको आइडिया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताना स्पेसिफिकली इस एड्रेस को क्या बोला जाता है, थैंक्स टू प्रेसिडेंट और थैंक्स समथिंग कहा जाता है, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ठीक है, और ये कब होता है बेटा? जब पहली बारी लोकसभा की इलेक्शन होने के बाद, पहली बारी हमारी लोकसभा मिल रही है तब होता है, और हर साल होता है जब पहले साल के पहला सेशन लगेगा उसके पहले दिन। ठीक है, याद रखें ये। कॉल फॉर ज्वाइंट सिटिंग ऑफ हाउसेस। अब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि हमारे पार्लियामेंट में दो हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, क्या होता है कि कभी कुछ ऐसा बिल या ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ जाए कि इन दोनों सेशंस को इकट्ठे बुलाना है, मतलब कि एक जगह ज्वाइंट सिटिंग बुलानी है, तो उसकी कॉल भी कौन देगा? याद रखना, प्रेसिडेंट ही कॉल देता है उसकी कि हाँ दोनों हाउसेस को इकट्ठे बुलाया जाए और फिर डिबेट किया जाए या फिर बिल को पास कराया जाए। कौन देगा बेटा उसकी इजाजत? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और प्रेसिडेंट की एक और पावर होती है बेटा कि कुछ भी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेटिव टू रिलेटेड यूनियन गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर को कॉल करके पूछ सकते हैं कि हाँ भाई ये क्या इश्यू है, ये क्या चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बड़ा हीटेड इशू आ जाए, जैसे एनआरसी का इशू आया था अभी थोड़ी देर पहले, आपने देखा होगा बड़ा उस पर विवाद हुआ, बड़े ज्यादा उस पर क्या बोलते हैं लोग खिलाफ थे, कुछ उसके प्रोटेस्ट में थे, कुछ उसके साइड में थे,
जब कुछ ऐसा हीटेड इशू आ जाए तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो पूछ सकता है प्राइम मिनिस्टर से कि हाँ कि क्या चल रहा है और क्या प्रोसेस चलेगा आगे, उसको पूरी इंफॉर्मेशन कुछ भी रिलेटेड हो इंफॉर्मेशन के रिलेटेड वो पूछ सकता है गवर्नमेंट से, यूनियन गवर्नमेंट से। प्रेसिडेंट बेटा सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज होता है, जो हमारे डिफेंस फोर्सेज है इसमें आर्मी आ गए, नेवी आ गए, एयरफोर्स आ गए, उनका सुप्रीम कमांडर कौन होता है बेटा? प्रेसिडेंट होता है। क्लियर है आपको? अभी कुछ कुछ थोड़े इंपॉर्टेंट मैंने आपको इसलिए बताया अदर पावर्स में करके कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि प्रेसिडेंट क्या कुछ कर सकता है। आई होप अब आपको थोड़ा पता लग गया होगा प्रेसिडेंट की पावर। याद करो स्टार्टिंग में बताई थी वीटो पावर, बिल कोई पास होकर आया उसको यस और नो दे सकता है, यस बन गया तो बिल एक्ट बन जाएगा, अगर यस नहीं बन पाया तो प्रेसिडेंट क्या यूज कर सकता है? अपनी वीटो पावर यूज कर सकता है। कौन कौन सी वीटो बताई थी? एब्सोल्यूट, सब्सटेंसेस और पॉकेट वीटो बताई थी, आई होप आपको याद होगा। एक और इंपॉर्टेंट पावर कौन सी थी? ऑर्डिनेंस मेकिंग की, जिसमें एग्जीक्यूटिव लॉ बना सकते हैं फॉर ए पर्टिकुलर टाइम। कितना टाइम था वो? 6 वीक्स। फिर दूसरी पावर कौन सी बताई थी आपको? मैंने पार्डनिंग पावर बताई थी, याद करो, पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, कम्यूटेशन, याद है रिस्पाइट। और इससे पहले मैंने आपको कौन सी पावर्स बताई? अपॉइंटमेंट्स की पावर, जिसमें डिफरेंट बॉडीज को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर रहा है, मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर रहा है, सीईसी को अपॉइंट कर रहा है, सीएजी को अपॉइंट कर रहा है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट कर रहा है, यूपीएससी के चेयरमैन को अपॉइंट कर रहा है, फिर हमारे गवर्नर्स को अपॉइंट कर रहा है, ठीक है। और ये अदर पावर्स में आगे बेटा, जिसमें हाउस का समन और प्रोलोंगेशन करता है, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा करता है, एड्रेस, फर्स्ट एड्रेस ऑफ लोकसभा, जब लोकसभा पहली बार मिल रही है उसको एड्रेस करेगा, और हर बार जब एक साल पहले साल के जो फर्स्ट टाइम पे सेशन लगता है तो उसको भी कौन एड्रेस करेगा? प्रेसिडेंट एड्रेस करेगा। फिर ज्वाइंट सिटिंग की बात कौन करेगा? प्रेसिडेंट बात करेगा। अगर कल को हमें पार्लियामेंट की ज्वाइंट सिटिंग बुलानी है, ज्वाइंट सिटिंग का मतलब बेटा लोकसभा को भी और राज्यसभा को भी इकट्ठे बिठाना है, तो कौन देगा बेटा? प्रेसिडेंट इसकी अथॉरिटी देगा, ठीक है। फिर अगर प्रेसिडेंट को कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए यूनियन गवर्नमेंट से तो प्रेसिडेंट पूछ सकता है। फिर बेटा सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जितनी भी हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं उनका प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर है। आई होप आपको समझ आया होगा, क्लियर। हाँ स्टूडेंट्स, तो अभी हमने जितनी भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे, पावर्स थी प्रेसिडेंट की, वो पढ़ ली है। अब प्रेसिडेंट के पास काफी ज्यादा पावर आप देख ही रहे हैं कितना कुछ है। बेसिकली पावर किसकी है सारी? प्राइम मिनिस्टर की है, बट वो बोलते किसको है एंड में? प्रेसिडेंट को बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अब हम प्रेसिडेंट की रिमूवल का प्रोसेस देखेंगे कि अगर प्राइम मिनिस्टर को लगे कि प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को क्या, किसी को भी लगे कि प्रेसिडेंट को रिमूव करना चाहिए, किसी भी लेजिस्लेचर को भी लग सकता है, अदर देन मिनिस्टर को भी लग सकता है कि प्रेसिडेंट सही रोल नहीं प्ले कर रहा, ठीक है, तो क्या प्रोसेस रहेगा हम वो देखते हैं। नॉर्मल टर्म ऑफ ऑफिस क्या बेटा प्रेसिडेंट का? 5 ईयर्स है, ठीक है। आपको बताया था मैंने इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है, उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? इलेक्टेड एमपीज पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टेड एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद 5 ईयर्स का टेन्योर होता है प्रेसिडेंट आपके पास। उसके बाद क्या होता है कि वो फिर से री इलेक्शन कर सकते हैं या कोई और नया कैंडिडेट आ सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। बट ये जो टेन्योर है इसको अगर सर्कमस्टांसेस नॉर्मल ना हो, फॉर एग्जांपल कि बेसिकली जब ये रिटायर होने वाले होते हैं तो उसके 6 मंथ्स के अंदर ही नेक्स्ट कैंडिडेट के लिए जो आने वाले हैं उनके लिए इलेक्शन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो इलेक्शन ना हुई हो, ठीक है, हमारे पास कोई अपॉइंट करने को कैंडिडेट ही नहीं है नेक्स्ट, तो हम क्या करेंगे कि इनका जो अपॉइंटमेंट है उसको थोड़ी देर के लिए कंटिन्यू कर लेंगे। इनका 5 साल से ज्यादा का पीरियड एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। ये कब है बेटा? जब कंडीशंस नॉर्मल ना हो, ठीक है। नॉर्मली भी क्या होता है कि जब ये रिटायर होने वाले होते हैं बस उससे पहले ही इलेक्शन हो जाती है और नेक्स्ट कैंडिडेट को इलेक्ट कर लिया जाता है। बट अगर नॉर्मल सर्कमस्टांस ना रहे हो, ठीक है, इलेक्शन नहीं हेल्ड करवा सकी हो नेक्स्ट कैंडिडेट के लिए, तो हम इनका टेन्योर को भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है बेटा। अब आ गई इंपीचमेंट और रिमूवल। बेसिकली क्या टर्म यूज की गई है? इम्पीचमेंट, ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इसको हम रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट भी कहते हैं, ठीक है। कैसे कराया जा सकता है बट इसको ध्यान से समझो, इसका क्या एक ही प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है। वो क्या बेटा कि किसी भी हाउस में, पार्लियामेंट में 2 हाउसेज है, राज्यसभा और लोकसभा। हम इमेजिन करते हैं, जस्ट फॉर इमेजिन करो कि लोकसभा में इनके खिलाफ बोल रहे हैं कि इनको रिमूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, जितनी भी कैपेसिटी है हाउस की उसके 1/4 जो मेंबर होंगे हाउस के वो रेजोल्यूशन लाएंगे, वो एक रेजोल्यूशन लाएंगे हाउस के अंदर। कितने लोग होने चाहिए? 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस, उससे कम होंगे तो रेजोल्यूशन नहीं ला सकेंगे, रेजोल्यूशन लाएंगे हाउस के अंदर, ठीक है बेटा। उस रेजोल्यूशन के बाद
प्रेसिडेंट साहब को 14 डेज का टाइम दिया जाएगा कि क्या वो उस रेजोल्यूशन के पक्ष में कुछ कहना चाहते हैं, कि क्या ये रेजोल्यूशन मेरे खिलाफ जो लाया जा रहा है ये सही है, अपने पक्ष में कुछ कहना चाहेंगे कि नहीं कहना चाहेंगे। 14 डेज का टाइम पीरियड दिया जाता है। 14 डेज का टाइम पीरियड खत्म होने के बाद बेटा ये जो रेजोल्यूशन यहां पे लाया गया था, जो कितने लोग लाए थे, 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस लाए थे, उसको हाउस से पास कराया जाना है। ठीक है, पहले 1/4 मेंबर लाए थे, अब पूरे हाउस से पास कराया जाना है। हाउस में भी किस मेजोरिटी के साथ बेटा, 2/3 मेजोरिटी के साथ, कि जितनी भी हाउस की सीट्स हैं, जितनी भी हाउस की सीट्स हैं उसकी 2/3 मेजोरिटी के साथ वो रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, 2/3 मेजोरिटी के साथ। ठीक है, ये याद रखना, 2/3 मेजोरिटी के साथ वो रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। अगर वो रेजोल्यूशन उस हाउस से पास हो गया, 2/3 मेजोरिटी के साथ पास हो जाता है रेजोल्यूशन, तो बेटा वो अगर लोकसभा से पास हुआ तो वो फिर किसके पास जाएगा, राज्यसभा के पास जाएगा, अदर हाउस के पास जाएगा, देखने के लिए कि क्या इस हाउस ने जो रेजोल्यूशन पास किया है वो सही भी है कि गलत है। ठीक है बेटा, तो जब वो अदर हाउस के पास जाएगा तो वो एक्ट एज ए इन्वेस्टिगेटिंग हाउस करेगा, वो इन्वेस्टिगेट करेगा कि जो इल्जाम इन्होंने प्रेसिडेंट साहब पे लगाए हैं, जो ये रेजोल्यूशन पास किया गया है 2/3 मेजोरिटी के साथ, क्या ये सही है कि गलत है। ठीक है बेटा, अगर ये तो जज को रिजेक्ट कर सकता है कि ये गलत है, तो प्रेसिडेंट का जो रिमूवल का प्रोसेस है, इंपीचमेंट का प्रोसेस है, वो वहीं का वहीं रुक जाएगा। बट अगर ऐसा होता है कि ये हाउस भी 2/3 मेजोरिटी के साथ इसको रिमूव कर देता है, 2/3 मेजोरिटी के साथ इसको पास कर देता है रेजोल्यूशन को, तो हम क्या देखेंगे, इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। मैं फिर एक्सप्लेन करता हूं बेटा क्या होता है इंपीचमेंट या रिमूवल का प्रोसेस, क्या प्रेसिडेंट साहब का, कि एक हाउस है, ठीक है, कोई भी हाउस हो सकता है, वो राज्यसभा भी हो सकता है और लोकसभा भी हो सकता है। ठीक है, उस हाउस में एक रेजोल्यूशन पास होगा, स्टार्ट किया जाएगा एक रेजोल्यूशन से, वो रेजोल्यूशन कितने बंदे स्टार्ट करेंगे, 1/4 मेंबर, उस हाउस के जितने भी टोटल मेंबरशिप है उसके 1/4 मेंबर उस रेजोल्यूशन को अप्रूव करेंगे। फिर उसके बाद 14 डेज को प्रेसिडेंट को टाइम दिया जाता है, 14 डेज का प्रेसिडेंट साहब का टाइम दिया जाता है कि क्या जो ये 1/4 बंदों ने आपके खिलाफ रेजोल्यूशन जो चलाया है, आप इसके खिलाफ में क्या कहेंगे, जब आप अपने पक्ष के लिए क्या कहेंगे, अगर वो कुछ कहें ऐसा अपने पक्ष में और ये हाउस सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ प्रेसिडेंट की गलती नहीं है, तो इसको जो 2/3 मेजोरिटी चाहिए हाउस की वो पास नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैक्सिमम लोग इनकी बात पे बिलीव करेंगे। बट वही है कि अगर ये कुछ ऐसा नहीं कह सके, लोगों को लगा कि नहीं जो रेजोल्यूशन पास किया गया था वो सही था, उसके बाद इसको हाउस से पास कराया जाएगा कितनी मेजोरिटी के साथ बेटा, 2/3 मेजोरिटी के साथ, जो पहले 1/4 बंदों ने स्टार्ट किया था अब उसे 2/3 बंदों से पास करवाना है। ठीक है, हाउस की उसके बाद क्या होगा बेटा, जब एक हाउस पास कर देगा तो ये रेजोल्यूशन दूसरे हाउस में जाएगा, जब ये दूसरे हाउस में जाएगा तो दूसरे हाउस वाला क्या करेगा, एक्ट एज ए इन्वेस्टिगेटिंग हाउस करेगा, वो इन्वेस्टिगेट करेगा कि जो हमसे पिछले हाउस ने हमारे पास ये भेजा है क्या ये सच में सही है कि ऐसे ही है, अगर उन्हें लगता है कि ये सही है तो उसको भी 2/3 मेजोरिटी के साथ पास कराना पड़ेगा अपने हाउस की, जितनी भी उनकी मैक्सिमम सीट्स है हाउस की उसकी 2/3 मेजोरिटी के साथ उनको पास कराना पड़ेगा। एक बार वो पास हो गए तो बेटा इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हो जाएगी। अनक्लियर, समझ आया इंपीचमेंट का प्रोसेस। एक और बात बेटा देखने वाली है कि जब प्रेसिडेंट साहब की इलेक्शन होती है तो कौन कौन रोल प्ले करते हैं, एमपीज भी रोल प्ले करते हैं और एमएलएज भी रोल प्ले करते हैं, बट वही उनका जब रिमूवल का प्रोसेस है, उनको ऑफिस से रिमूव किया जा रहा है, तब एमएलएज का कोई भी रोल नहीं है। आप देख सकते हो कि इस हाउस में भी कौन बैठते हैं, एमपी बैठते हैं, इस हाउस में भी कौन बैठते हैं, एमपी बैठते हैं, तो हम क्या देखेंगे कि इलेक्शन के टाइम एमएलएज का रोल है बट जब रिमूवल हो रही है तब एमएलएज का कोई रोल नहीं है, तब किसका रोल है बेटा, एमपीज का रोल है। क्लियर है, समझ आ रहा है। और बेटा क्या रीजन हो सकता है, अब ये 1/4 जो मेंबर यहां पे रेजोल्यूशन लाए उनको कुछ तो बोलना पड़ेगा ना कि क्यों ला रहे हैं हम प्रेसिडेंट साहब के खिलाफ, तो कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक ही रीजन दे रखा है कि अगर आपको प्रेसिडेंट को रिमूव करवाना है तो उसका एक ही रीजन है, वो रीजन क्या बेटा, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है, कि कल को किसी भी लेजिस्लेचर्स को लगे कि प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की है तो वो ये इंपीचमेंट का प्रोसेस शुरू कर सकता है। ठीक है,
अब बेटा वॉयलेशन ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका क्या मतलब है, ये कहीं पे डिफाइंड नहीं है कि कितनी वॉयलेशन को वॉयलेशन कहा जाएगा, कितनी चीज को वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाएगा, ये कहीं भी डिफाइंड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन पे खुद भी ये डिफाइन नहीं किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। सो यहां पे पूरी डिस्क्रिप्शन आ जाती है किनकी, लेजिस्लेचर्स की, जिसकी भी मेजोरिटी आ जाएगी कि वो प्रेसिडेंट को रिमूव कराना चाहेंगे कि नहीं कराना चाहेंगे। अगर उन्हें लगेगा कि उनके पास 2/3 मेजोरिटी भी है दोनों हाउसेस में, तो वो प्रेसिडेंट को इजिली रिमूव करवा सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर। बट ये जो 2/3 मेजोरिटी लेना है ये बेटा इतना आसान नहीं है। 2/3 मेजोरिटी बहुत बड़ी मेजोरिटी होती है हाउस के अंदर। जनरली काफी कम टाइम ऐसा होता है कि गवर्नमेंट के पास इतनी मेजोरिटी हो, स्पेशली इन बोथ हाउसेस। आई होप आई एम क्लियर, आपको समझ आ गया है प्रोसेस कैसा रहता है। ठीक है, अब आपने देख लिया कि प्रेसिडेंट साहब कैसे आएंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शन से आएंगे। ठीक है, कितनी देर के लिए रहेंगे, 5 साल के लिए रहेंगे। फिर उनके डिफरेंट फंक्शंस भी देख लिया आपने, क्या परफॉर्म करेंगे, किसकी एडवाइस पे परफॉर्म करेंगे, कहाँ कहाँ वो अपॉइंटमेंट करेंगे, ये सब देख लिया आपने। अब हमने यहाँ क्या देखा बेटा कि कैसे उनको अगर रिमूव करवाना है तो कैसे रिमूव करवाया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कहते हैं। वो कहाँ शुरू होती है, हमारे पार्लियामेंट में शुरू होती है। आई होप आपको प्रेसिडेंट समझ आया होगा। तो प्रेसिडेंट पे इतना ही था, अभी आगे आप क्या करो प्रेसिडेंट के लिए, जितने भी आपको जीएस पेपर डिफरेंट पेपर में क्वेश्चन दिखते हैं प्रेजेंट टॉपिक पे, उसे सॉल्व करो, आपको कुछ कुछ नई एडिशन मिलती रहेगी। फिर जो क्लास में मैंने पढ़ाया और जो नई एडिशन आपको क्वेश्चन के थ्रू मिल रही है उनको कहीं एक जगह पे नोट डाउन कर लो, तो इससे आपके प्रेजेंट के बहुत अच्छे नोट्स बन जाएंगे। और मैं आपको कह रहा हूँ कि ट्रस्ट कीजिए एसएससी में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इवन के स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में भी अगर आप देखोगे इन्हीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। थोड़ी सी लैंग्वेज डिफिकल्ट कर देंगे, जो कुछ ऐसे क्लॉज डाल देंगे जो एक्सेप्शन होंगी, इन्हीं से घुमा फिरा के आगे क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अब आप ऐसा करो कि प्रेसिडेंट का जो टॉपिक है उस पर मैक्सिमम क्वेश्चन लगाओ। उससे क्या होगा, आपको एक वास्ट एक अलग सा भी डायमेंशन मिलेगा उसको। फिर जो नई चीज मिल रही है उसको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लो, तो इससे आपके प्रेसिडेंट के पूरे नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज हम अपना लेक्चर इतना ही रखते हैं प्रेसिडेंट पे, अब हम आगे कल और शुरू करेंगे। थैंक यू।